जगत एक खेल है संसार एक खेल है खेल की तरह ही खेले, जन्म है खेलो मृत्यु आवे खेलो जी रहे हो खेलो जिम्मेदारियों को काम को नौकरी को खेलो बच्चे हैं पत्नी है पति है खूब खेलो मृत्यु आ जाए तुम्हारे पति पिता पुत्र माँ बाप भाई को मृत्यु उनको घटित हो जाए खेलो विदा दो तुम पे आ जाए तुम अपने आप को विदा दो कहो अलविदा कहो कि अब चलते कहो कि अब समय पूरा हो गया नमो सर्ब खापे नमो सर्ब था थापे। थापे मन बनाना बनाता भी तू है मिटाता भी तू है बनाने वाले और मिटाने वाले हाथ कोई अलग नहीं है वो एक ही है so, फिर कहा नमन कर नम सत सत्य देव नमस्तम अभेव नमस्तम अजन में नमस्तम शुभ नम सत सत्य नम नमन करता हूं किसको जो सत स्वरूप नम सत मैं नमन करता हूं किसको जिसकी जिसके बारे में कुछ कहते हुए भी जुबान लरस जाती है जिसके बारे में कुछ बोलते समय भी मन एक बार कांप जाता है कि कैसे कहे उस बेअंत की चर्चा वो कैसे कहे कैसे बोले थकता है थकता है ये मन भी थक जाता है तेरे सामने आके हार जाता है और हारता है तभी तो नमस्कार करता है पर इस हार में बड़ी जीत इस हार जाने में भी बड़ी जीत होती नमस्तम अभेवे। हे प्रभु तेरा भेद कौन पाएगा तेरा भेद कोई ना पा सकेगा तो जब कोई पा नहीं सकता है तेरा भेद तो मैं एक इंसान कैसे दावा कर सकता हूं कि मैंने जान लिया तुझको फिर बात में लेके आती हूं वहीं पे द कंफ्यूजन ऑफ रिलीजन अगर यह जान लिया कि उसका भेद नहीं पाया जा सकता है तो यह भी तो जानना हुआ जान करके भी नहीं जानना ना जान करके तो ना जानना है ही जान करके भी नहीं जानना होगा नमो सर्व गौने नमो सर्व भवने गौने शब्द निकला है गमन से गमन मने चलना सर्व गौने मतलब जहां जहां भी तुम्हारा मन जाता है जहां जहां भी तुम चल के जाते वो वहां पहले से मौजूद होता है तुम बाद में पहुंचोगे तुम्हारा मन बाद में पहुंचेगा वो पहले से मौजूद हो दिखाई नहीं पड़ता है पर फिर भी है नमो सर्ब गौने नमो सर्ब भौने भौने शब्द निकला है भवन से भवन मने मकान फकीर घूमते घुमाते एक नए गांव में आया सोचता है रात कहां रुकूं? बारिशों के दिन हैं, सर्दी का मौसम है तो कोई छत मिल जाए तो अच्छा गांव में उसने सज्जन से पूछा कि रात रुकने का कोई जगह उसने कहा देखिए हमारा छोटा सा गांव है थोड़े से लोग हैं थोड़े ही मकान हैं और हर मकान में पहले ही आठ आठ दस दस लोग रहते हैं तो हमारे तो घरों में जगह ही नहीं है कि तुम्हें हम रुका सके हाँ एक खाली मकान टूटा फूटा सा है पर सुना है वहां तो भूत रहते फकीर ने कहा कोई बात नहीं आदमियों को तो जगह चाहिए होती है बैठने को भूतों को तो जगह भी नहीं चाहिए तो मतलब मकान दिखने में तो खाली ही होगा तो मेरे इस एक शरीर को वहां बैठाने को बहुत जगह होगी उस आदमी ने कहा देखिए मैं पहले से आपको बता रहा हूं भूत रहते हैं सुबह तक जिंदा नहीं मिलोगे फकीर ने कहा अगर मेरी मौत मुझको वहां ले जाना चाहती है तो कोई रोक थोड़े ना सकेगा और अगर मेरे प्राण बचने हैं अगर मेरा जीवन काल अभी है तो सुबह फिर मिलेंगे वो आदमी घर तो चला गया पर मन ही मन बहुत परेशान हुआ कि मैंने क्यों एक भले आदमी को एक रब के बंदे को ऐसी जगह का ठिकाना बता दिया जहां मौत का खतरा मंडराता, जहां भूतों का डेरा है वो रात भर ठीक से सो नहीं पाया बहुत पश्चाताप होता रहा सुबह उठा भाग के गया और उसी टूटे फूटे मकान के बाहर खड़ा होके घबराता है डरता है खापती हुई आवाज में पुकारा अरे ओ बाबा है कि नहीं अरे बाबा जिंदा है कि नहीं कुछ देर तो चुप्पी छाई रही जब चुप्पी छाई तो घबराहट और जोर से बढ़ गई घर वापिस गए अपने भाइयों को साथ में लिया बोले लगता है वो तो मर गया है तो चलो मेरी गलती मैंने उसको उस मकान में भेज दिया अब कम से कम उसका कफन दफन तो ढंग से हमको करना चाहिए तो अकेले घर के अंदर घुसने में तकलीफ थी डर था भय था भाइयों को ले गया भीतर डरते डरते सब लोग गए और जाकर के क्या देखते हैं कि जमीन पर लेटा हुआ है। उसने कहा मेरी किस्मत मेरे ऊपर तो बड़ा पाप लगने वाला है मैंने इस आदमी को इस जगह में भेजा ही क्यों भाइयों ने कहा देख अब फालतू मत बोलो ये ना हो कहीं हम ही को कुछ हो जाए फटाफट इसकी लाश को उठाते हैं और निकलते हैं मकान से बाहर ये भूतिया मकान भूतों का डेरा यहाँ पे बढ़ के दो ने पैर पकड़े दो ने कंधे पकड़े जैसे ही लगे उठाने तो फकीर तो हिला बोले तो भूत घुस गया इसके अंदर डर कमा फिर वापिस पटक दिया पटका इतने जोर से फकीर हाय हाय करते हुए उठ खड़ा हुआ बोले तो भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो तुमने इतनी जोर से मुझे पहले उठाया फिर जमीन में पटका बोले अरे तुम जिंदा हो बोले साईं वाले अभी जिंदा ही हूं मैं और तुम ये क्या कर रहे हो इतनी बारात लेकर के क्या करने आए हो बोले मैं आया सुबह बुलाया आवाजें मारी तुम बोले नहीं मुझे लगा मर खप गए तो भाइयों को लाया था कि तेरा कफन दफन कर दे फकीर ने कहा देख मेरे कफन दफन में अभी थोड़ा समय है अभी जिंदा हूं तो इतनी जल्दी मत कर जब वक्त आएगा तब कर देना उनको पहले घर से बाहर निकलो और जरा बताओ रात बीती कैसी फकीर ने कहा कैसी बीती जहां हम वही हमारा मालिक और जब तक मेरा मालिक मेरे साथ में है और जब तक वो मेरा नाश नहीं कर देना चाहता है तब तक शरीर चलेगा और भाई मेरे भूत भी तो उसी की बनाई हुई खलकत है उनसे क्या डरना ी में बहुत प्यारा आया ना जिथे हो जाई तू सी थाई जिथे हो जाई तू थाई साचा सिर जन हार जियो साचा सिर जन हार जियो तू सबनी थाई जिथे हो जाई तू सबनी थाई जिथे हो जाई साचा सिर हार जियो साचा सिर जन हार जियो जिथे हं तू थाई जिथे हो सबनी साचा सिर जन हार जियो साचा सिर जन हार जियो तू थाई जिथे हो जाई जहां जाता हूं वहीं तू पहले से मौजूद है। जिस मकान में जाऊंगा उस मकान में पहले से मौजूद है। जिस जगह में जाऊंगा उस जगह में पहले से मौजूद है। क्यों क्योंकि तेरी अपनी कोई एक मखसूस जगह नहीं है इसलिए तो सब जगह मौजूद है चूंकि तू तो सब जगह मौजूद है इसलिए मैं कभी अकेला नहीं हो सकता तुम कभी अकेले नहीं हो सकते कभी भी नहीं तुम कभी अकेले नहीं मात गर्भ में आपन सिमरन दे मां के गर्भ में तू जहां अकेला होता है वहां पर भी वो तुम्हारा ध्यान रखता है वहां पर भी वो तुम्हारा पालन पोषण करता है तू तो अकेला कैसे हो सकता है जब मां के गर्भ में अकेले नहीं तो अब गर्भ से बाहर आके शरीर के साथ तुम कहीं भी चले जाओगे तो भी तुम अकेले नहीं हो सकते नमो सर्व रंगे नमो सर्व भंगे सारे रंग तेरे सारे रंग तेरे हैं बनाना तेरा एक रंग मिटाना तेरा एक रंग भंगे माने नाश करना तोड़ना समाप्त करना रचता है तो ये तेरा रंग है मारता है तो ये तेरा रंग है और ख्याल रहे मारना अगर ना हो तो पैदा होना भी कहां से होगा देखो तुम भोजन करते हो तुम्हारे शरीर में बहुत सारे नए 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 णु जीवाणु पैदा होते जा रहे हैं और बहुत कुछ व्यर्थ जो इस शरीर में है वो मल मूत्र और पसीने के माध्यम से शरीर से बाहर फेंका जा रहा है नहीं रोज नए बाल उगते हैं जितनी बार कंगी करते हो दस पंद्रह बीस बाल रोज मरते हैं वो फेंक देते हो नए निकल आते कुछ निकल आते हैं नए कंगी करके कुछ मर जा मरे हुए जो है वो निकल जाते हैं नाखून काटते हो नाखूनों को भी तो मारते हो ना जब काटते हो नाखूनों को काटते हो फिर पैदा हो जाते फिर लंबे हो जाते फिर काटते हो फिर लंबे हो जाते तो मरना और जन्मना तो कंटिन्यू प्रोसेस है तो बराबर चल रही अब अगर ये नहीं चले देखो अगर तुम्हारे शरीर में मरने की प्रोसेस नहीं चले तो सच तो ये है तुम्हारा शरीर कभी बड़ा ही नहीं होता जब पैदा हुए थे तो तुम्हारा क्या वजन था अभी कितना है जब पैदा हुए थे अगर उतना ही शरीर रह जाए सोच के देखो एक औरत गोद में उठा करके बच्चे को ला रहे और बच्चे के मूछे हों और दाढ़ी भी हो कैसा लगेगा वो बच्चा तुम पूछो उसकी माँ रे ये बच्चे में ताड़ी मुझ और वो बच्चा बोले मां से क्या पूछती मेरे से पूछ एडल्ट एक व्यसक की भाषा में वो बात करे तुमसे पर शरीर हो वही एक महीने वाला कैसा लगेगा देख के पुराने सेल मरते जाते हैं नए पैदा होते जाते हैं इसलिए तो हड्डी बड़ी होती है इसलिए तो शरीर लंबा होता है नए 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 का जन्म होता जा रहा है जीवाणुओं का और नए नए जीवाणु आएंगे तभी ना जब पहले वाले मरेंगे तो जितना तुम भोजन खाते हो तुम्हारे भोजन में भी बैक्टीरिया होता है तुम्हारे पेट में भी बैक्टीरिया होता है इनकी आपस में खूब लड़ाई फिर होती है जो तुमने रोटी खाई है वो पेट वाला बैक्टीरिया उसको तोड़ता है गलाता है उसमें से जितने न्यूट्रिएंट्स हैं वो बाहर निकालता है और जो कुछ फोक है जो कुछ खाली है उस सबको बाहर फेंकता है अब तुम कहो ये सब प्रोसेस नहीं हो बंद होनी चाहिए अगर ये सब बंद हो जाएगी तो शरीर का तुम्हारा जीना तुम्हारे शरीर का चलना ये भी तो सब बंद हो जाएगा मृत्यु एक प्रोसेस है इन्हीं कि एक बार घटती तो रोज घट रही रोज घट रही हर सांस जो अंदर जा रही है वो जन्म हर सांस जो बाहर निकल रही है वो मृत्यु ही तो है और क्या है पर आदमी फिर नहीं समझता हो कहते तो नहीं ये तो ठीक है पर वो जो सांस बाहर जाए और फिर अंदर ही ना आए डर उससे लगता